आर्मी आंदोलन चल रहा है, ये राजनीति है, कुर्सी की लड़ाई है, ये कोई ये हिंदू राष्ट्र नहीं, देश का पतन हो जाएगा। हमें धर्म निरपेक्ष की जरूरत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की। मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ और बाबा साहब की फौज का सिपाही हूँ। मोदी नहीं, राष्ट्र विरोधी। हाय हाय मोदी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, मोदी राष्ट्र बनाना चाहता। राम की शपथ ले, संविधान की क्यों लेते हैं? बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आदमी अलग चल रहा है। नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। मेरे बगल में एक बाबा हैं जो गांधी जी के गेटअप में हैं, वही धोती वही चश्मा, और इनके हाथ में एक डंडा भी होता है, लाठी वो अभी नहीं है साथ में, और बरसात का मौसम है, इनसे रहा नहीं गया। दिल्ली के जंतर मंतर पे चले आए, महिला पहलवानों का प्रदर्शन था तब भी आपने इनको देखा था, और किसान आंदोलन हुआ था तब भी ये सड़कों पर उतरे थे। खैर, इनकी उम्र अब आराम करने की है, लेकिन अभी प्रदर्शन में भाग ले रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से मणिपुर में हिंसा हुई, उसके बाद वो आग अब हरियाणा में पहुंचाई है। बाबा, कैसे आप देखते हैं मणिपुर की आग हरियाणा में आ गई? मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, आर्मी आंदोलन चल रहा है, आर्मी आंदोलन चल रहा है, ये राजनीति है, कुर्सी की लड़ाई है, ये कोई ये हिंदू राष्ट्र नहीं, देश का पतन हो जाएगा। विदेशी ताकतें जाएंगी, देश फिर से गुलाम होने जा रहा है। अब मैं ये बड़े दुख से इजहार कर रहा हूँ, पूरे देश में अस्थिरता फैलनी है। इंसान का केवल धर्म एक ही है, इंसानियत। जाति धर्म के नाम से लोगों को लड़ा के ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले हिंदू राष्ट्र, हमें हिंदू राष्ट्र की नहीं जरूरत है, हमें लोकतंत्र में धर्म राष्ट्र। हम केवल धर्म आते हिंदू मुस्लिम सब ईसाई सभी से एक राष्ट्र बना। राष्ट्र की एकता को खतरा है, लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं, संविधान को जलाने जा रहे हैं। कहाँ बाबा, लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं चाइना थर थर काँप रहा है सब। हाँ, चाइना काँप रहा है, सब किम काँप रहा है। और झूठा पाखंडी, पिछली बार भी कहा है, इससे बड़ा झूठा वर्ल्ड में पहला आदमी होगा सबसे झूठ बोलना और पाखंडी। ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं, ये बाहर विदेशों में जाता है तो विश्व गुरु बन जाता है, धर्म की बात करता है, बुद्ध की बात करता है, धर्म की बात करता है, यहाँ के वही वाड़ा वही बचा, यह सब की बात करता है। ये आरएसएस वाले हैं, आरएसएस वाले इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते, तो हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हम दलित पिछड़े आदिवासी सभी एकजुट होकर इनके खिलाफ लड़ेंगे। हमें धर्म निरपेक्ष की जरूरत है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की। तमाम हिंदू दल हैं बाबा, वो कह रहे हैं कि अब सड़कों पे उतर जाओ, हिंदू खतरे में है। हिंदू का अरे राज इनका, ताज इनका, सत्ता इनकी, सबकी मिलकर हिंदू कैसे खतरे में? 75 साल तक देश को आज़ादी है, जब हिंदू खतरे में नहीं, आज हिंदू कैसे खतरे में? 75 साल से देश का संविधान लागू है, आज जो हिंदुत्व की बात क्यों आई? तभी बना दिया हो जब देश आज़ाद है, संविधान में कपड़ा हिंदू राष्ट्र करो। जब क्यों मजबूरी थी इसको धर्म निरपेक्ष राष्ट्र कर? इंडिया डेमोक्रेसी से लाइट डेमोक्रेसी बन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप जब भी लोकतंत्र है कि सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी को सम्मान अधिकार, बाबा साहब ने संविधान के में। मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ और बाबा साहब की फौज का सिपाही हूँ, और बुद्ध धर्म को मानता हूँ, बुद्ध को, ज्ञान को। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान है, दुनिया के वर्ल्ड में, दुनिया में जितने बौद्धिस्ट देश हैं, बुद्ध को दुनिया माना जाता है। यहाँ यहाँ युद्ध की बात, वहाँ बुद्ध की बात। विश्वगुरु, अरे विश्वगुरु बहुत आड़े बना है, विश्वगुरु तो मानते हैं भारत को, लेकिन तू भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए तो विश्वगुरु रह जाएगा। तो ये सब पाखंडी हैं, झूठे पाखंडी है, और इस देश को बर्बाद करना। मोदी नहीं, राष्ट्र विरोधी है। मोदी नहीं, राष्ट्र विरोधी। हाय हाय मोदी, हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। 15 लाख 20 लाख नेताओं का काला धन, सारी झूठी बहन बेटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे बेटी तुम्हारे गिरबानी नहीं है, घराली दी है, बेटी कहाँ से हुई? पाखंड सारा झूठा, जुमला तोड़ता है, जुमलेबाज है, पाखंडी है। और देश के सामने से माफ़ी मांगनी चाहिए नैतिकता के आधार पर, अगर इसमें कोई नैतिकता है। देश को गुमराह करा, झूठे आश्वासन दे के 15 लाख नेताओं का काला धन लिया हूँ। हम नीरज मोदी हट ले, भाजपा तो रोक ले भाई, उनका न्याय पड़े, यही भाजपा कितने भाग विदेशों में देश का पैसा कितना लगाया,
रेल बेची, तेल बेची, सब की मैं 60 साल में जो कांग्रेस ने कराया वो 2 साल में कर गए। बोलो 2 साल कम 60 साल में उन्हें थोड़ा सा लगा। यही तो प्रधानमंत्री जी भी बोल रहे हैं कि अगर दूसरी सरकार होती तो दूध 300 रुपए लीटर और दाल 500 रुपए किलो बिक रहा होता। हाँ तय कर दिया, अच्छा कर दिया दूध और सब की मैं। अरे ये सब तेरा पाखंड है। अब मैं गई तो द्रौपदी तो रुपया गिर रहा है, अब तू क्या करके रहा? सारे संसाधन बेच दिए, रेल बेची, जेल बेची, सब की, अब तेरे छोटे क्या है? बाबा कहते हैं ना कि सरकारी कर्मचारी चोर है, काम नहीं करता, इसलिए निजीकरण कर दिया। हाँ निजीकरण कर दिया, अब ये निजीकरण होया बस अधिकार सब कहने हो गए। अब निजी कार ठेकेदार 4 आदमी पैसा दे देगा, एक एक तनख्वाह में 4 कर्मचारी रख के और उनका भी ठेकेदार उनका पैसा नहीं देते, शोषण होगा। निजीकरण करना देश की संपत्ति को बेचना। अब रेल बेची, जेल में निजीकरण हम नहीं चाहते थे। सरकार भी क्या की भाई, निजीकरण उन्हें दे दो, राज भी दे दो, अडानी को दे दो, प्रधानमंत्री बना दे, देश का सबसे बड़ा पैसा वाला अडानी को बना दे। जब मैं कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस तो भ्रष्टाचार की धनी थी, कांग्रेस ही ने आरएस की धनी थी। कांग्रेस आरएस इस देश में अपराधिक संगठन है, इस पर बैन लगना चाहिए और इसको ये देश को बर्बाद करे। हिंदू राष्ट्र नहीं, इस देश को बर्बादी का कावार घरेलू छिट जाएगा। अब लग रहा हरियाणा चल गया, कौन चला रहा है? आपसे पहले क्यों नहीं चला? खट्टर भी हो आरएसएस का है, आरएस के गुंडे करवा रहे हैं, हरियाणा सारा जलेगा। अभी तो मेवात गुड़गांव चल गया, आग सारे में लगती जा रही है, मुझे पता है। मेरे सारे बिगाम मामलों को मारा जाएगा आजकल काम। CID मेरे पास है, मैं ADM को बताया, मैं तेरे को अवगत करा दिया मामलों को मारूँ। क्या क्या 24 से पहले की ये राजनीति है जो मणिपुर और हरियाणा चुनाव नहीं, ऐसा हाल हो जाएगा, भाई भाई का गला काटेगा। सत्ता की कुर्सी रखने के लिए कुछ भी करना पड़े। ये हिंदू राष्ट्र नहीं, मोदी राष्ट्र बनाना चाहता, आरएसएस का तो बहाना है, ये मोदी नहीं दोबारा सत्ता में लाना है। हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, सत्ता में दोबारा ले आओ। अब जो पिछड़े दलित है उनके 50% है, उनकी मानसिकता में बदलाव लाए कि हिंदू बनाए कि उनसे हिंदू बनाए। दलित नहीं, पढ़े लिखे दलित सब बैठे, वो मानते हैं कि संविधान से देश चलेगा, न कि गीता से चलेगा, ना कुरान से चलेगा। अगर देश की एकता अखंडता बरकरार रखनी तो संविधान को मानना पड़ेगा, संविधान की संविधान को मानने वाले नहीं है। ये कुछ लोग मनवादी हैं, ये संविधान को नहीं मानती, न ये लोकतंत्र को मानते। माइट इज राइट, जिसकी लाठी हुई सत्ता ही नहीं। अरे सत्ता तुम्हारे हाथ में, ताज तुम्हारे हाथ में, फिर हिंदू कैसे कर 75 साल से को खतरा में, सही खतरा में कैसे आ गया? क्योंकि तुम्हारे पास सत्ता है। अब दोबारा सत्ता आएगी तो संविधान सब बदल के केवल हिंदू राष्ट्र बने। जब कोई सिख खालिस्तान की बात करे तो वो अपराधी है। बाबा वो कौन से लोग हैं जो संविधान नहीं मानते हैं? ये सारे आरएसएस बदलना विश्व हिंदू परिषद जो जो अपराधिक संगठन है सारे है। ये केवल हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले हिंदू राष्ट्र नहीं, वो देश में आदर्शता फैलाते हैं। केवल हिंदुत्व की बात करके लोगों में गुमराह पकड़े, जातिवाद धर्म की आड़ में अब इसको देश को मैं फिर आदर्शता फैलाने। अब हालात नाजुक हो जाएंगे सारे देश में, इनमें कुर्सी चाहिए हिंदू मुसलमान के नाम से। इंसान का केवल इंसानियत धर्म है, भगवान के घर से केवल इंसान आया। जाति धर्म किसी के माथे पर धर्म नहीं लिखा है, जाति में भगवान ने किसी जाति धर्म को। तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा अगर बाबा भारत तो ठीक नहीं है क्या? नहीं बन जाए तो बनाएंगे, फिर ये आज हिंदू राष्ट्र बनाएंगे कल खालिस्तान बनाएंगे। खालिस्तान भी मांग कर रखे बहुत दिन से चल रहे हैं, खालसा जो सरदार थे उनकी तो खालिस्तान की मांग है। जब वो खालिस्तान की बात करते तो राष्ट्र विरोधी है। आज देवेंद्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र की बात करें, वो राष्ट्र भगत है। मैं हिंदू राष्ट्र के खिलाफ बोलता हूँ, मैं देशद्रोही हूँ, लगा मेरे खिलाफ पर्चा दाखिल करो, मैं बोल रहा हूँ मैं हिंदू राष्ट्र नहीं चाहता, तो हिंदू राष्ट्र का विरोधी हूँ ना। तो बाबा तमाम लोग हैं सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं कि राम का नाम बोलना होगा, जबरदस्ती मार पीट कर रहे हैं कि राम का नाम बोलो। वो बोलना न राम कितने किसान को गो राम मारो नाम खोलना, हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें लोकतंत्र चाहिए,
संविधान चाहिए, राम के राज चला करने पर राम की शपथ ले, संविधान की क्यों लेते हैं? ये रामायण जी शपथ ले के बैठे संसद में, जब ये जीत के आते हैं तो संविधान की शपथ क्यों लेते हैं? रामायण ले आओ, भागवत ले आओ, कथा जीत के ले उनकी शपथ ले। जब संविधान की जरूरत शपथ लेते तो उसको फिर उसका विरोध करती। ये सत्ता में सत्ता की मास्टर तब भी इनके हाथ में, अब ये जानते हम धक्का थे। और भी धर्म बच रहे हैं देश में, कई धर्म हैं, वो क्या करेंगे? जब हिंदू राष्ट्र बनेंगे इनके गुलाम बनेंगे। पहले तो दलितों को गुलाम बनाने की साजिश है, दलितों 5000 वर्ष से पहले गुलाम थे हिंदुओं के, स्वर्ण हिंदुओं के गुलाम निकली उन्हें, उनके साथ जाती हुई। मैं दलित समाज से आता हूँ, मैं हिंदू राष्ट्र कुर्बानी दे सकते हैं, संविधान के लिए उंगली करेगा तो हम अपनी कुर्बानी देंगे। देश में करोड़ों दलित हैं, बाबा साहब के सड़कों पर आ जाएंगे, सिर कटवाएंगे, देखें कैसे बनेगा। हम हिंदू नहीं हैं, हमें जबरदस्ती हिंदू मत बनाओ, हम हिंदू नहीं हैं, नहीं मानते हम को सनातनी में। क्या सनातन? हिंदू है सनातनी है भाई, धर्म तो एक होना, सनातन क्या है? कहते हम सनातन की बात करें, कहीं हिंदू की बात, धर्म नहीं है, पाखंड है, ये इंसान को गुलाम बनाने की साजिश है। हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, जब तक दम में दम रहेगा हम अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। बाबा आपने तो कई सरकारें आते जाते देखा होगा, सारी सरकारें, तो इस सरकार में ऐसा क्या है कि इस तरह की राजनीति में परिवर्तन कितना हुआ है? हाँ, कुछ परिवर्तन नहीं है। अब ये गुंडों का राज है, आरएसएस का राज है यहाँ, भाजपा कोई पार्टी नहीं है, ये आरएसएस की गुलाम है। भाजपा कोई मोदी आदर्श के खिलाफ बोलते, मोहन भागवत के खिलाफ बोल रहे, मोहन भागवत ने माना है कि ब्राह्मणों ने जाति बनाई, फिर क्यों बनाई? गुलाम बनाने, जब हिंदू बने तो हमारी जात होगी, क्या हमने ब्राह्मण बना दी? शूद्र तो शूद्र रहेगा, चौथा वर्ण 85% लोग जागे नहीं है, 85% लोगों को, 85 को अब तो 90-92% है, 8% लोग देश में अधिकता फैला। अरे तुम 8% ले लो हिंदू को, दलित तो बड़ी कौन है, क्या पकड़ोगे? हिंदू राष्ट्र कौन बनाओगे? हम तो कोई बड़ा नहीं, जबरदस्ती बनाओ, को बोला राम देखा कौन खाएगा? मेरा काम मैं राजपूता बोलो, मैं कौन बोलूँ? बाबा साहब की कैसे संविधान की कैसे चले, बाबा साहब की रमाबाई की, कोई आके बंद करो दिखा। मेरा काम राजपूतों का, मैं को सारा 20 घर में उजाड़ूंगा, खाली को बैठूँ, ये बाबा साहब के मैं सुनूंगा, रविदास का सुनूंगा, कबीरा का सुनूंगा। जब मंदिरों में 5 बजे बजता है तो मैं बजाऊँगा, मंदिरों में रेडियो चलेगा तो मेरा चलेगा। लड़ाई होली पुलिस वाली, मैं को साथ बंदूँगा, भाई जब रहते FIR दर्ज करो, क्या तो मतलब जब ये DG वाले बजाते का अश्लील गाना गाते हैं और ऊंची आवाज़ में बोलो नीची कर ले, वो करूँ मैं ऊंची कर दी, वो पुलिस आना मैं जाओ सब भरो पुलिस लिया नीची आवाज़ क्यों? रविदास की उगाड़ी दे रहे थे, अरे ये DG वाला का अश्लील गाना गाने करो नीचे आवाज़, कोई नई नीति नहीं है। अच्छा इसका मतलब मैं कमज़ोर हूँ, चौपाल के भीतर बड़ा सड़ा का खाट काट दूँ, खड़े भर दूँ, तो कहने का बात मेरा गांव में बिराजपुर का गांव है, बहुत लड़ाई लड़ रहा मनवादी है सारी, और मारे दबी दलित थी ना मेरे साथ कौन ना, वो दादा की अब मरवा होगा, अरे मन मारो ना, ये बाइट चल लिए लको जी सुनाओ इनको, ये क्या कह रहा है? अरे सिरान गुंडा को लगाओ मेरे देश द्रोह को मुकदमा बना, मैं चाहूँ हूँ राष्ट्र विरोधी, भाई तेरा हिंदू राष्ट्र उनके खिलाफ मैं बोलूँ, हिंदू राष्ट्र अब है नहीं, ये धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, इसको भाई देश को बर्बाद मत करो। सत्ता तुम्हें कोई आए, तुम्हारे पास सत्ता है, मास्टर तब भी है, अब तुम जाए दोबारा आ जाएंगे, संविधान बदलेंगे, लोकतंत्र खत्म कर देंगे, फिर और धर्मवाला क्या करेंगे? कत्लेआम होगा, कल सिख मांगेंगे खालिस्तान दे दो, आज ये मुसलमान देश में ये मांगेंगे पाकिस्तान दूसरे देना पड़ेगा, भाई तुम नू मारोगा तो हम तो मारो देश दे दो, मारो अधिकार दे दो, हम देश के नागरिक हैं, मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है, प्रत्येक नागरिक को सम्मान जीने का अधिकार है, संविधान में बाबा साहब का दिया, मतलब किसी आदमी को नहीं, किसी का क्वेश्चन नहीं है, वोट का अधिकार सबको बराबर है, हिंदू हो मुसलमान। अब लोकतंत्र जब बढ़ा था, जब सभी गांधी और अम्बेडकर समझौता यही आया था, देश की एकता अखंडता के लिए गांधी की जान बचाई अम्बेडकर, पुला पैक्ट में नर्मदा जेल में जाके जान बचाई थी, जब वो माने थे भाई ठीक है
अपना ऐसे संविधान का निर्माण कर जिससे सभी धर्म समानता एकता भाईचारा बना रहे, देश का बंटवारा नहीं, एक ही बंटवारा हो गया था जिन्ना ने, जिन्ना ने पाकिस्तान में वो भी नहीं जाता, फिर इनने वो हालत करी वहाँ से हिंदुओं कट के 48 में यहाँ से वहाँ से हिंदुआ कट के भेजा, बहन बेटी वीजे लूटी पाकिस्तान में, यहाँ से मुसलमान है गाड़ी भर भर गई थी। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ ये बाबा हैं, लगातार बहुजन के हक अधिकारों की बात करते हैं, सड़कों पे रहते हैं, बात करते हैं, किसान आंदोलन से उभरे और लगातार प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं, लोग इन्हें किसान आंदोलन के दौरान से ही जानने लग गए। ये गांधी जी के गेटअप में रहते हैं, धोती पहने रहते हैं, चश्मा लगाए रहते हैं, उन तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, चाहे बहन बेटियों की इज्जत का मामला हो या मामला हो, तमाम वो मुद्दे जो देश में डकैती डाली जा रही है निजीकरण के माध्यम से। आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस खबर पे, आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, नेशनल दस्तक दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।